क्या खूबसूरत लग रहा भाई। चक्का बहुत मस्त है जी, चक्का एकदम पक्का ऑफ रोडर जैसा लग रहा। और ये फ्रॉम फैक्ट्री, मतलब कि शूट हो रहा, बाकी इसको लेकर भी शोरूम निकलेंगे हम लोग और उसके बाद वहाँ पे एक प्रॉपर वाला रिव्यू देंगे। अभी फिलहाल बस फर्स्ट राइड इंप्रेशन और बाइक का इंप्रेशन, क्योंकि बाइक पहली बार देख रहा है और यहाँ पे अवेलेबल, मतलब कि अभी होगा शोरूम, तो आपको शोरूम का एड्रेस वगैरह टू जेड सब कुछ मिल जाएगा। अरे भाई, इस तो USD दिया हुआ, USD फोक्स है, USD फोक्स है भाई। कौन सा वेरियंट है ये? टॉप वेरियंट। सबसे पता है, सबसे पहला इम्प्रेशन गया है इसके USD फोक पे, जो आपको गोल्डन कलर का है भाई देखो। और इसका हेडलैम्प तो भाई बहुत ही तगड़ा मेरे को लगता है, इंस्पायर टी टाइप का लोगो दिखता है, लेकिन अभी सब कुछ कवर हुआ हुआ है। और यहाँ पे आपको देखो मीटर वगैरह ये निकाल सकते हैं शायद, ये देखो बेसिक से एकदम साइड में मीटर दिया हुआ है कॉम्पैक्ट सा। चलो इसको वापस कवर करते हैं, अभी शोरूम निकलेंगे तब समझ में आएगा। बाइक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है, एग्रेसिव इन द सेंस कि बहुत ही चौड़ा लग रहा है। एक टाइम से बोलो थोड़ा सा डुकाटी डाइवल टाइप का फील आएगा, लेकिन अब देखना ये। और इसका मीटर भी काफी, अरे भाई की देखो भाई साहब, की काफी तगड़ा लग रहा है भाई। पता है इसका लाइट का देख के लगता है कि ट्रायम का लोगो है, सेम एकदम डिट्टो उसी टाइप का, टीट का साइन मिलेगा जो आपको TVS को मतलब कि रिप्रेजेंट करता है, लेकिन देख के ट्रायम का लोगो टाइप लगता है। और बाकी यार अभी देखो अनरैप हुआ है तो कंप्लीट प्रीमियम लग रहा है बाइक बहुत ज़्यादा। एलॉय व्हील भी दिया हुआ है, तो एलॉय व्हील जैसा रॉयल इनफील्ड का रहता है सेम उसी टाइप का दिख रहा है। ये हो गया बैटरी कनेक्शन, अभी हज़ार्ड ऑन कर दीजिए। हज़ार्ड पीछे वाला बहुत सही लग रहा, लाइट पीछे का लाइट आके देखिए एकदम हार्ले जैसा लग रहा है। आइए पीछे लाइट मालूम है, और वो हज़ार्ड ऑन कर दीजिए, वो वाला ऐसे ऐसे करके आ गया, मोड के नीचे जो बटन। आगे से तो हम लोग देखे नहीं, आगे जाना होगा हल्के से। बहुत खूबसूरत लग रहा जी, बहुत खूबसूरत लग रहा। अर्बन है ये, एंड उसके बाद रेन, अच्छा दो ही है, अर्बन एंड रेन। और उसके बाद आपको ब्लूटूथ दिया हुआ है जिसमें आपका नेविगेशन दिखाएगा। दो बटन नीचे दिया है जिसमें एक ओडो ट्रिप वे ट्रिप भी लास्ट डिस्टेंस ट्रैवल, एंड यहाँ पे एवरेज स्पीड वगैरह आपको रिकॉर्ड होगा। तो सेट से तो वो फिर सर्विस वगैरह हो गया, एंड ब्लूटूथ वगैरह का आप देखो। और बाकी आई बटन से ब्लूटूथ यहाँ पे आप कंट्रोल करो। और इसका क्लच मतलब कि समझो एडजस्टेबल आपको दिया हुआ है। तो तीनों मॉडल यहीं पे खड़े हो गए ना, एक ये वाला बेस मॉडल है, एंड उसके ऊपर ये वाला है, इस पर देखो डुअल टोन, एंड उसके बाद वो वाला जो है उस पर टॉप मॉडल है, क्योंकि उसमें आपको डुअल चैनल ABS वगैरह, एंड समझ जाओ जो कलर टोन है उसमें भी देखो। तो अब तीनों में एक काफ़ी तगड़ा अंतर है कि अगर आपको सबसे बेस वाला लेना है तो उसका शॉकर वगैरह भी, ये वाला मॉडल अब देखो, इसका शॉकर वगैरह भी कलर ब्लैक कलर का दिया हुआ है, एंड बॉडी कंप्लीट एक ही कलर है, सिंगल टोन एंड सिंगल चैनल ABS, रेयर में आपको ABS नहीं है आपको। फिर ये टॉप मॉडल, इसमें रेयर में भी ABS है, बाकी आप कलर टोन्स भी देख सकते हो। और बाकी पर्दा हटाइएगा थोड़ा सा, ये पर्दा इसका देखो डुअल टोन है आपको यहाँ पे, यहाँ पे हाँ सिंगल चैनल ABS डुअल टोन है उसका, रेयर में आपको ABS नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको ABS नहीं दिखेगा, बाकी उसमें भी ABS रेयर में नहीं दिखेगा, टॉप वाले में दोनों में ABS दिखेगा। और भाई फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो फ्रंट का लाइट तो आप लोगों को दिखाए थे, रेयर का देखो लाइट भाई, ये वाला कंप्लीट हार्ले में ये वाला लाइट मैंने देखा है, एकदम सेम उसी टाइप का दिख रहा है, एंड यार बहुत ही तगड़ा लग रहा है। एक बार बैठेंगे आराम से चलाएंगे इसे, देखो एडजस्टेबल लीवर्स आपको दिए हुए हैं, हज़ार्ड लाइट दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है, एंड आई बटन है जिससे आप ब्लूटूथ टर्न बटन नेविगेशन वो सब आप लोग कर सकते हो। और भाई थोड़ा सा डाइवल टाइप का लुक है भाई, और काफ़ी तगड़ी है, बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस करेगी मार्केट में, बस एक बार इसे चला के देखना है हमें। देखो भाई इस पर बैठते के साथ क्या फील आया, देखो सीट थोड़ा सा मेरे को ऊँचा लगा, एंड इसका जो यहाँ पे लेग रखा रहा है ना, लेग मतलब कि थोड़ा सा ये स्ट्रेट नहीं रखा रहा, थोड़ा सा आगे करके जैसा बैठते हो क्रूजर में उसी टाइप का रखा रहा है। तो इसमें क्या दिया हुआ है ना कि आपको सिंगल बस टो का दिया हुआ, एंकल वाला नहीं दिया हुआ, तो वही मैं ढूंढ रहा था भाई कि एंकल वाला कहाँ है। तो ये तो एक मतलब कि थोड़ा सा फील हुआ मेरे को ऐसा।
और बाकी यूएसडी फोक्स दिए गए हैं फ्रंट में और मीटर तो साइड पे दिया गया है। और यहाँ से बैठने के बाद यार एकदम कंप्लीट स्ट्रेट पोस्चर है, सीधा मैं बैठा हूँ एकदम। और अभी चलो इसे भगाएंगे, पूरा नॉइजी लेस स्टार्ट फीचर है इसका। एंड 3 2 1 गो। क्या हो गया? और इसको भाई मतलब कि समझो व्हीली तुरंत पॉप कर रहा है, जैसा आप देखोगे, देखो ये जो तुरंत उठ रहा है ना, आप समझ सकते हो भाई। और यहाँ से थोड़ा पीछे होके आपको दिखाते हैं, पिकअप बहुत ही अच्छा आ रहा है, पिकअप बहुत ही सही आया भाई, पिकअप बहुत ही सही आया बाइक का, आवाज़ भी बहुत ही अच्छा आ रहा है, मतलब हैंडलिंग भी बहुत ही सही आ रही है, और शिफ्टिंग तो बहुत ही अच्छी हो रही है, क्लचिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। बाइक समझ जो बहुत ही तगड़ी कॉम्पिटिटर निकल गई मार्केट में यार। और यहाँ से घुमाते नहीं तो ये ट्रक वाला फंसा देगा हमें। फर्स्ट गियर पे भगाते हैं एक बार, फर्स्ट गियर पे गियर भी शो कर रहा है, गियर इंडिकेटर 42 अराउंड, 65 अराउंड, अराउंड थर्ड गियर, एक सौ तीन 104 अराउंड जा रहा है। और भाई आगे थोड़ा जाम दिखा, और स्टेबल है अच्छी खासी भाई, प्रॉपर वाली स्टेबल है बाइक, और लिटरली चलाने में एक फन आ रहा है भाई, मतलब समझ जो टीवीएस को चलाने में बहुत ही तगड़ा फन आ रहा है, मजा भी आ रहा है चलाने में। इनफैक्ट ब्रेक्स वगैरह भी काफी तगड़े वर्क कर रहे हैं, और जो इसके समझ जो आपको जो मिरर्स वगैरह दिए, मिरर्स नहीं सॉरी इंडिकेटर्स वगैरह जो दिए गए ना, वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, जैसे इंडिकेटर फ्रंट में एंड रेयर में दिया हुआ है। वापस घुमाते भाई, इतना लंबा पैच काफ़ी था अपने लिए, ब्रेक्स बहुत ही अच्छे वर्क कर रहे हैं। यहाँ से घुमाते हैं थोड़ा, मतलब देख दाख के घुमाना होगा भैया। चलो अब पिकअप बहुत ही अच्छा बना रहा है, 225 सीसी का इंजन है इस पर, और पिकअप बहुत ही सही बना रहा है, एंड जो हैंडलिंग है वो भी प्रॉपर है, शिफ्टिंग प्रॉपर है, ब्रेकिंग्स प्रॉपर है। अगर रेयर में मेरे ख्याल से एक ही बंदा सही से बैठ पाएगा, क्योंकि सीट थोड़ा सा छोटा लग रहा है मेरे को रेयर का। और यहीं पर आपको खड़ी करके सब दिखाते हैं। फर्स्ट राइड इंप्रेशन में अगर मैं बोलूँगा, अगर एक बार के लिए आप लोग पूछोगे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं बोलूँगा भाई ले लो बाइक को, बहुत ही फन टू राइड मशीन है यार। जैसा आप देखो अभी रेयर का आपको मैं दिखाता हूँ, देखो रेयर का कुछ व्यू इस टाइप से आ रहा है, कैसा लग रहा बताओ यार। ये रेयर देख के कोई मानेगा ही नहीं ये टीवीएस है, समझ लेगा वो कि आप समझ जो हार्डले वगैरह है। एंड उसके बाद ये थोड़ा सा खाली लगा मेरे को यहाँ पे, कुछ अलग के चक्कर में आप ये वाली कितने को पसंद आया वो बताना, क्योंकि मीटर थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा रहना चाहिए, लेकिन मीटर भी काफ़ी दमदार है भाई, टर्न बाई टर्न नेविगेशन वगैरह आपको देगा। एंड एग्जॉस्ट नोट सुनो, पूरी भारी एग्जॉस्ट नोट है, पूरी भारी एग्जॉस्ट नोट है। एंड इसका आरपीएम देखो एक बार, और फ्रंट लाइट देखो भाई, फ्रंट लाइट है तो दिल तो फ्रंट लाइट पे ही जा रहा है यार, क्या खूबसूरत फ्रंट लाइट है भाई, फ्रंट का जो डिज़ाइन है क्या खूबसूरत लग रहा है भाई। और ये वाली आप लोग बेशक परचेस करना भाई, इसका डिज़ाइन इतना खूबसूरत दिया हुआ है ना, मैं बोलूँगा यार आँख बंद करके ले लो, डिज़ाइन अच्छी, यूएसडी फोक्स रेयर में आपको मोनोशॉक है, और यूएसडी फोक्स गोल्डन कलर के, फिर एबीएस हो गया इस पर, और इसका जो व्हील है ना वो कंप्लीट एलॉय व्हील आपको दिया हुआ है जैसा देखो। और ये एलॉय व्हील आप लोगों ने रॉयल इनफील्ड पे ये वाली एलॉय व्हील आप लोगों ने देखा होगा। टायर्स देख रहे हो अच्छे खासे ग्रूव्स में प्रेजेंट है, टायर डायमेंशन भी आप लोगों को बता देते हैं, तो 110/70 का है फ्रंट का टायर, एंड रेयर का टायर का डायमेंशन भी आपको बता देते हैं। और रेयर का टायर डायमेंशन भैया किधर को है, 130/70 का, और रेयर में आपको ये वाला अलॉय व्हील देख रहे हो, अलॉय व्हील आप लोगों ने देखा होगा रॉयल इनफील्ड्स पे लगा हुआ मिल जाएगा। एंड रेयर पे भी इसका डिस्क एंड रेयर पे भी एबीएस रिम है, चलाने में 20 BHP है ना, काफ़ी अच्छे से मतलब कि प्रोड्यूस हो रहा है और काफ़ी अच्छा फील दिला रहा है, नो वाइब्रेशन एट ऑल, कहीं पर वाइब्रेशन नहीं है, और फुटपेक्स वगैरह भी काफ़ी सही है, प्रीमियम भी लग रही है बाइक। यहाँ से आप देखोगे कंप्लीट ब्लैक कलर का, तो चलाने में ओवरऑल जो फन है ना वो बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई,
टैंक सिल्वर ब्लैक एंड जो हॉर्स का लोगो, तो चलो इसको वापस अब चलते हैं। और हाँ, मोड्स इस पे दिए हुए हैं जैसा मेरे को दिखा, अर्बन एंड रेन मोड। देखो रोनिन करके लिखाता है भैया, मीटर तो मैंने देखा ही नहीं स्टार्ट कैसे होता। देखो समझ रहे हो, हैव सेफ राइड करके एक आपको मैसेज देगा। तो बहुत ही सही और बहुत ही प्रीमियम मशीन लगी मेरे को भाई। और सीट की क्वालिटी देखने के बाद देखो काफ़ी तगड़ी सीट की क्वालिटी भी लग रही है। एंड रेयर ये ऐसे जीटी टाइप का लग रहा है, जीटी 650 टाइप का। तो ऐसे अगर आप लोग बोलना चाहोगे तो बहुत कुछ कह सकते हो बाइक को, लेकिन भाई चलाने में जो फील जो मज़ा आ रहा है। और ये वाली बाइक अवेलेबल है आपको CLTVS ग्रिडी पे, तो अगर आप लोगों को परचेस करना है तो भाई वहाँ पे कॉन्टैक्ट करो, नंबर वगैरह A to Z दिया हुआ है। देखो एकदम आराम से हल्की सी स्टार्ट हो गई भाई, एंड कोई गाड़ी तो नहीं आ रही भाई साहब, तगड़ा उड़ जाता है यार, अच्छा खासा लंबा चलेगा अगर किसी को प्रॉपर व्हीली मारने आता है तो। और अभी चलो वापस शोरूम घुसते हैं, मतलब शोरूम नहीं वर्कशॉप पे, गोडाउन पे आए हैं, तो गोडाउन में वापस लेके बाइक को घुसेंगे हम लोग, और यहाँ से फिर शोरूम जाएगा, और यहाँ से तो फिर मैं अपना मतलब स्टैंडर्ड पे वीडियो बनाऊंगा। चलो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल विजिट करना और हमें 100K करवा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। और हाँ बोलेंगे ये वाली बेस्ट चॉइस है, अगर आप लोग को लेना है भाई तो आराम से परचेस करो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी।